नमस्कार देश विदेश को स्वागत कर स्मृति लग्न प्रथम देखा कौन रही आज हेडलाइंस पूरी ऑपरेशन ने सेना को बड़ सफलता सेना गुड़ में टलला लश्कर जड़े आतंकी जड़े गिरफ पाकिस्तान पंजाब प्रांत आसीला गिरफ आतंकी अली बाबर पात्रा नौ दिन धरी चली ऑपरेशन दस दिन में अनुप्रवेश षड़यंत्र पंड पुष्टिहीन मुक्त भारत अभियान को मिल बड़ भारतीय कृषि जगत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ उपहार देश उत्सर्ग कले 35 फसल नुआ किसम किंतु ओडिशारे प्रति वर्ष पुष्टिहीनता नेउची हजार हजार शिशु जीवन राज्य में अपपुष्टि 34% शिशु स्वास्थ्यावस्थार होना विकास पंजाब कांग्रेस ने पुणि ट्विस्ट पीसीसी अध्यक्ष पदर इस्तफा दे नवजोत सिंह सिद्धू मंत्रिमंडल भी चार मंत्री इस्तफा सेपटे कैप्टेन सिद्धू को निशाना कहले पूर्व कही से जड़े अस्थिर व्यक्ति जातीय विपर्यय परिचालना प्राधिकरण 17तम प्रतिष्ठा दिवस स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह देश को विपर्यय उद्धार कर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम सदस्यों को कले प्रशंसा कहले 70 वर्ष उपलब्धि को देश कर सलाम जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास पर केंद्र सरकार को बड़ पदक्षेप इंटरनेशनल एविएशन मैप रे स्थान पाइला जम्मू कश्मीर श्रीनगर रु यूएई साजा मध्य चलाचल कर प्रथम आंतर्जातिक व्यावसायिक विमान रत्नभंडारे सुरक्षित अच्छी तो महाप्रभु दुर्लभ अलंकार रत्नभंडार को नहीं खोलीगला राज्य सरकार का मिछ कहानी आरटीआई तथ्य को नहीं आहरी रहस्यमय है रत्नभंडार चाबी हजिबा प्रसंग 1960 परे ट्रेजरी रे नहीं रत्नभंडार चाबी चाबी हजिबा सतना बड़ मिछ घोड़ाइबा को बाहाना करथिला जिला प्रशासन झारखंड ओडिया भाषा को अवहेला राज्य शिक्षक निजुक्ति परीक्षा रे ओडिया भाषा रे हेलानी परीक्षा झारखंड सरकार को ओडिया भाषा विरोधी अभियान को विरोध सेपटे कोटिया रे पुणी आंध्र रो दादागिरी संपूर्ण खबर को आसीबा जम्मू काश्मीर रो एलओसी निकट रे थिबा उरी सेक्टर रे पाकिस्तान आतंकवादी को एक बड़ अनुप्रवेश उद्यम को पंड करिछि भारतीय सेना अनुप्रवेश उद्यम करुवा समय गुली विनिमय घटी जड़े पाकिस्तानी आतंकवादी मृत्यु एवं सहित जन को जीवंत धरी भारतीय सेनार जवान एनकाउंटर तीन जन भारतीय जवान आहत हो सूचना रही सोमवार राति एनकाउंटर घटी गत शनिवार भारत सीमा को अनुप्रवेश उद्यम करते पाकिस्तानी आतंकवादी से सजाग थे भारतीय सुरक्षा एजेन्सी सेना तरफ बारमुला जिलार उरी सेक्टर में एक एनकाउंटर घटी तबे ऑपरेशन प्रथमे आरंभ होता कुंबिंग ऑपरेशन समय गुली विनिमय घटला गोटे सप्ताह भितर यह उरी सेक्टर में पाकिस्तान आतंकवादी द्वारा तृतीय थर अनुप्रवेश उद्यम एवं भी सेठे कुंबिंग ऑपरेशन जारी रही सूचना रही अनेक मारणास्त्र सहित गुड़ गोला जबत कर I am here to give you information about successful conduct of a military operation that was carried out over a period of 9 days along the line of control in Udi area. On the evening of 25th September, thereafter an encounter ensued. Out of these two terrorists, one terrorist was neutralized on the morning of 26th. Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He said he asked us to spare his life. As is the ethos and value system of Indian Army, we do not use force, lethal force against any unarmed person. So due precautions were taken, and he was taken into own custody. Now, if I invite your attention to the fact that this infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Udi garrison took place. It is also revealed that this infiltration group
was supported from the Pakistani side by three porters who had come till the line of control along with supplies. In last 7 days, 7 terrorists have been neutralized and 1 terrorist has been apprehended, and 5 of these neutralizations have taken place along the line of control. पुष्टिहीनतार मुकाबला व जलवायु परिवर्तन कुप्रभाव चाष को रक्षा करने देश को मिला बड़ अस्त्र भारतीय कृषि जगत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ उपहार देश 35 फसल नुआ किसम को उत्सर्ग कर प्रधानमंत्री यह व्यतीत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर नूतन कैंपस को प्रधानमंत्री कर उद्घाटन पुष्टिहीन मुक्त भारत अभियान को मिल बड़ जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कृषि को मिल सुरक्षा वृद्धि हे कृषकों आय देशर कृषकों मोदी सरकार का बड़ उपहार 35 फसल नुआ किसम को देश उत्सर्ग कले प्रधानमंत्री विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या साहय कृषि और कृषकों उन्नति पर केन्द्र सरकार का बड़ पदक्षेप एकेसम गुड़िक अधिक पुष्टिकर नुआ परिवेश सहित सहजरे खाप खुआई पारे एवं विशेषकर जलवायु परिवर्तन प्रभाव को रोकवे सक्षम तेणु यह नुआ किसम क्षुद्र चाषी जीवन बदल और कृषकों आय वृद्धि साहय कर प्रधानमंत्री मोदी बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं। इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री उत्सर्ग कर 35 नुआ फसल किसम मध्य ओडिशा रे 15 रु 20 टी फसल चाष करा जाए सेगुड़िक मध्य धान मांडिया मक्का बीन सोयाबीन परि फसल रही ओडिशा भली राज्य में प्रतिवर्ष पुष्टिहीनता जगू हजार हजार शिशु प्राण हराउछंती और विभिन्न रोगर शिकार होउछंती राज्य अपपुष्टि 34% शिशुंकर स्वास्थ्यवस्थार विकास होना सुषम खाद्य अभाव राज्य में उच्चता अनुसार बहुत पतला हो जाता शिशुं संख्या 20% राज्य में 5 वर्ष कम बयस 7 पिला जनकर खाद्य अभाव उपयुक्त शारीरिक विकास हो पारना से पुष्टिकर खाद्य न मिलबारु तीनज शिशु भितर जड़े बयस तुलन में बहुत गेड़ा होता प्रति तीनज जड़े शिशु तार बयस तुलन में बहुत कम ओजन होता है पुष्टिकर खाद्यर अभाव जो 1 रु 19 वर्ष बयसर 50% रक्तहीनतार शिकार होता बेले 9.5% पिला निकट में रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी थाए तेणु ओडिशा भली राज्यर शिशु को निर्बलुआ और निर्बुधिया हेबारु रोकिबारे एही नुआ फसल किसम खूब सहायक हो पारिबो बोली आशा करा जाउछि। ये क्रॉप वैरायटीज ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ रा रायपुर रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रा उद्घाटन करिछंती पाणिपागर परिवर्तन एवं अन्यान्य परिस्थिति रे सृष्टि होतुबा आह्वान गुडीकर मुकाबला पाए एहि अनुष्ठान रा वैज्ञानिक माने समर्थन जोगाइबे सेमाने देशर कृषि और कृषकों का आय वृद्धि रे सहायक हेबे बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को देश के किसानों को कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लुड़ पाणी में किपर चाष करा जाई पारिबो सेने नुआ फसल किसम विकसित करा जाउछि एवं खूब शीघ्र यहाँ उत्सर्ग करा जिवो बोली ए अवसर रे सूचना देछंती प्रधानमंत्री मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पंजाब राजनीति रे एबे घड़ी के घोड़ा छुटुची पूरा खबर देखिबा किंतु समय छोटो ब्रेक रो
पंजाब राजनीति में एवं घड़िके घोड़ा छुटुची कांग्रेस रे कंदल कमिबार ना ने आउ ए सब भितर पंजाब कांग्रेस सभापति पदर इस्तफा दे नवजोत सिंह सिद्धू सेपटे सिद्धू पर पंजाब मंत्रिमंडल चार मंत्री इस्तफा इस्तफा पर दिल्ली में बड़ हलचल सोनिया राहुल मीटिंग एपटे दिल्ली में पहुंची कैप्टन अमरिंदर सिंह ए सब भितर कांग्रेस भविष्य कौन है बड़ प्रश्न पुणी पंजाब राजनीति में हाइड्रामा सभापति हेबार मात्र कई दिन में पद छाड़ीदे पंजाब कांग्रेस सभापति सिद्धू निज इस्तफा नहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखिं पत्र पंजाब राजनीति में एवं घड़िके घोड़ा छुटुची कांग्रेस कंदल कमिबार ना ने आसबू भितर पंजाब कांग्रेस सभापति पदर इस्तफा दे नवजोत सिंह सिद्धू दलर अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिठी लिखि सिद्धू कहते पंजाब भविष्य सह कौन सालिश करें तेणु पंजाब सभापति पदर इस्तफा दे कारण दर्शाई सिद्धू तेरे हठात सिद्धू एभली निष्पत्ति कहीं नहीं चर्चा थमुनि क्या इंगित कर सिद्धू चिठी लिखिंट तापर एपर्यंत परदा हटि पारि पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह निज कांधे से निर्वाचन भार को बीजेपी को एकुटिया से सम्मुखीन होता से केन्द्रीय नेतृत्व से बड़ योगदान ना तो यह तुंग नेता साइड लाइन कांग्रेस जो गैम्बलिंग करता से गैम्बलिंग आज आप देखुचे केन्द्रीय नेतृत्व जो पशा खेली है से पशा आज पलटी जाए दल से एक प्रकार विखंडित अवस्था रही जहां को भरोसा करोटी कर चलते से गोटी आज कम देनी होती नवजोत सिंह सिद्धू से गोटी सीधा पशापाल बाहरी जाए अर्थात युद्ध पूर्व अस्त्र त्याग कर चर्चा यह हो नुआ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू संपर्क भल ना एथिपाई विभिन्न निष्पत्ति को नहीं दुई जन मतांतर नहीं चर्चा होता या छड़ा चन्नी मंत्रिमंडल विभाग बंटन में सिद्धू असंतुष्ट थिबा जनाइथिले मैं किसी बयान नहीं पैना चाहता लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान अच्छे लीडर है सेपटे सिद्धू को इस्तफा पर पूर्वतन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रतिक्रिया रखी से कहते सिद्धू जड़े स्थिर व्यक्ति नुहंती से सीमांत राज्य पंजाब उपयुक्त नुहंती तेरे पखापाखि दुई मस ते अमरिंदर अनिच्छा सत्वे कांग्रेस हाइकमाण सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से निजुक्त कर सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही क्या होगा मैंने किसी को कुछ नहीं कहा सेपटे सिद्धू को इस्तफा पर दिल्ली में एवं बड़ हलचल सोनिया राहुल मीटिंग एपटे दिल्ली में पहुंची कैप्टन अमरिंदर सिंह एसबु भितर कांग्रेस भविष्य नहीं बड़ प्रश्न ठिया हो कांग्रेस पार्टी खुद अपनी चालबाजी की चक्रव्यूह में चकनाचूर हो रही है और ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसने कि जिसकी नीतियां और जिसके कार्यक्रम और जिसके नेतृत्व पूरी तरह से नकारात्मकता से भरपूर रहे हैं और जिसका क्या असर उनके खुद उनके ऊपर दिखाई पड़ रहा है दलय कंदल दल को बुड़ाई देवनी तो एने ये चर्चा जोर धरू ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज जम्मू काश्मीर पर्यटन विकास पर केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप एवं इंटरनेशनल एविएशन मैप स्थान पाइला जम्मू काश्मीर एथिपाई बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय तरफ स्वतंत्र पदक्षेप नि आगामी एक मास भितर श्रीनगर यूएई सार्जा मध्यरे चलाचल कर प्रथम आंतर्जातिक व्यावसायिक विमान बा कमर्शियल फ्लाइट यह जम्मू काश्मीर एवं सेठाकार लोकों पर एक ऐतिहासिक पदक्षेप एवं विदेश जम्मू काश्मीर बुले आसवा चाहूबा पर्यटक मैंने भाया दिल्ली दे जा बदल में सीधा श्रीनगर में पहुंची पारे और विभिन्न पर्यटन स्थल बुली पारे यूएई और जम्मू काश्मीर भितर विभिन्न कृषिजात सामग्री व्यवसाय हो स्थान को प्रथम विमान उड़ाण व्यवस्था कर उद्देश्य श्रीनगर एयरपोर्ट को मध्य संप्रसारित कर जो 1500 कोटी टंका खर्च होइथबार जना पड़ी परवर्ती खबर को आसीबा केंद्र गृहमंत्री अमित शाह नुआदिल्ली में जातीय विपर्यय परिचालना प्राधिकरण 17वां प्रतिष्ठा दिवस को संबोधित करिसेंति चलित बर्षर गठन दिवस विषय वस्तु हिमालय अंचल में विपर्यय घटनार
कैस्केडिंग प्रभाव एठारे लोकमानक सुरक्षा दिगरे किभले पदक्षेप निया जाय पारिबो से दिगो उपरे आलोचना करा जायतला। एनडीएमए के 70वें स्थापना दिन के मौके पर एकत्रित आए हैं। मुझे बताया गया कि आज आपने हिमालयन क्षेत्र के अंदर आपदा के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक परिचर्चा का भी आयोजन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको विषय चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि विगत 2 सालों में हिमालयन क्षेत्र में आपदाओं का फ्रीक्वेंसी जिस प्रकार से बढ़ा है और जिस प्रकार से आने वाले दिनों में बढ़ने की संभावना है, आपने इसको उचित तरीके से ही आज के विषय के रूप में चुना है। मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीएमए का जो काम करने का तरीका है और चीजों को लॉजिकल एंड तक ले जाने की जो परंपरा है, इस विषय को भी आप बहुत अच्छे तरीके से चर्चा भी करेंगे, इसमें से निष्कर्ष भी निकालेंगे और निष्कर्ष के आधार पर अमल हो सके इस प्रकार की कुछ योजनाएं भी बनाएंगे। आज जब हम यहां एनडीएमए के 70वें स्थापना दिन पर इकट्ठा आए हैं, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, एनडीएमए और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के नाते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इस 17 सालों के अंदर देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का काम किया है और पूरे देश की संवेदनशीलता आपदा प्रबंधन के काम के साथ जोड़ने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए आओ कुछ खबर किंतु ये ब्रेक पर न्याय टिकक बापर लड़े ए अफिस्रु से अफिस् दौड़ी दौड़ी नयांत हेलेनी एसएफ सौम्यरंजन महापात्रंक बापा अभिराम महापात्र हेले सबुठे मिलुची पुला पुला प्रतिश्रुति। आज क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडांक भेटी अभिराम न्याय मागिथिबा बेले एडीजी संजीव पंडा जवाब दे पारिनांती बरं देइछंती प्रतिश्रुति। सबुठे विद्याभारती और डीएफओंक बांधिबा पई बारंबार दाबी करि आसुछंती अभिराम। विद्याभारती डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा मिलीमिशी मारी देइछंती सौम्य आ मंत्री विक्रम केशरी आरुखंक चापरे सरकार मामला को चापी देउछंती। एपरी संगीन अभियोग आनी पुनी थरे क्राइमब्रांच एडीजी को भेटिछंती मृत एसीएफ सौम्य रंजन महापात्रंक बापा अभिराम महापात्र आउ काहीकि तदंत अटकी एने मागिछंती जवाब। तबे क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा जवाब परिवर्ते देछंती प्रतिश्रुति 90 दिन अपेक्षा करबा को कहिदिबा कथा कहिछंती सौम्यंक बापा। तबे 90 दिन काहे के हा कुने एबे उठिछि अनेक प्रश्न। राज्य सरकार को सर्वोच्च तदंतकारी संस्था रिमोट रे नाचुथुबा कथा रो खुलासा करिछंती खुद आईओ ज्ञानरंजन मिश्र। आ आईओ कई खुलासा पर एबे क्राइमब्रांच सौम्यंक परिवार को न्याय देई परिबो तो या कुने उठिछि प्रश्न। आज 75 दिन होगा सी मृत्युबरण कले विषय डी जी को देखा करने आसलु न्यायटा दरकार आमर तो छुआ चलीगला आमको न्याय दरकार तदंत हो संदेह से विषय में कहलु सारे स्थानीय मूल तदंत कर पारलाखेमुंडी फरेस्ट डिजन अफिश्रु तदंत कर बापा मन रोह न्याय बालेश्वर पुणी आसिले कटक आदंत को मूल आरंभ करने क्राइमब्रांच को नवेदन कर पालाखेमुंडी फरेस्ट अफिस्रु तदंत आरंभ कले सब कथा पदा को आसब एसीएफ भास्कर राव रोसेया मनमथ कुंभ पूर्वतन जगुआली गंगा प्रधान आईआईसी विवेकानंद स्वाई और ओआईसी ममता पंडा एम सहित तहसिलदार और मेडिकल चिकित्सा कर डाक्तर को तदंत परिसरभुक्त करने एडीजी क्राइमब्रांच संजीव पंडा को नवेदन करनत्र बदली कर आ विद्याभारती कौन पाई अरेस्ट करा होनी तदंत मूल करा जाऊ से डिविजन पारलाखेमुंडी ऑफिस रो जो एसएफ भास्कर राव आमर से रुषिया मनमथ कुंभ से पूर्वतन सिक्यूरीटी गार्ड गंगा प्रधान आउ माली ड्राइवर आ तहसिलदार ओआईसी ममता पंडा और आईआईसी विवेकानंद स्वाई एमानकू सब तदंत परिसर को अणा जाकि तदंत करा जाए।
ମିଛଧରା ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଥଥ ମମ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓଡିଏଫଓ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋ ଆକ୍ସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କଲେ ଅଭିରାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇନି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନି କି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କାହିଁକି ବଦଳି କରାଯାଉନି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ବରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଓ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପିଏସ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ? ଅଭିରାମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିରୋହିନପୁର ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଟିକେଲ ଝଡ଼, ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ତେର୍ଛା ବାଣ, ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ନିରବତା ଉପରେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଆର୍ଟିକେଲ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପୋଲ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଟିକେଲ ପରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କହିଁ ପେ ନିଗାହେ କହିଁ ପେ ନିଶାନା, କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଟିକେଲ ଛଡ଼, ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଲେ ସୌମ୍ୟ। ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଏପରି ଆର୍ଟିକେଲ ଏବେ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପୋଲ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆର୍ଟିକେଲ ଲେଖି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ନିରବତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନିଜର ଦୈନିକ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆମ ଘର ହାଲଚାଲରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ସୌମ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାହା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଆମର ବହୁ ପରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେଉଛେ। ଆମର ବିତରଣ ଜନିତ କ୍ଷତି ବା ଚୋରି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବେଶି। ଏହି 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛୁ। ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚେତିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସେତିକି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ତେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜୁଳି ଦରକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ବାବଦରେ ଏକ ଠିକଣା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର। ଦେଣନେଣର କାରବାର ଅଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା କହିବା ଆମ ପାଖ କହିବେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଦିଅ? ପ୍ରମାଣ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା ଲାଭରେ ଆମର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଛତିଶଗଡ଼ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା, 101 ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା 10 ପଇସା, 201 ରୁ 400 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା, ତେଲେଙ୍ଗାନା 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କା 45 ପଇସା, 51 ରୁ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ଏବଂ 101 ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ରହିଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସେବା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 101 ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଏବଂ 201 ରୁ 500 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3 ଟଙ୍କା, 201 ରୁ 400 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଏବଂ 401 ରୁ 800 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 6 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 3 ଟଙ୍କା, 51 ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଏବଂ 201 ରୁ 400 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇକରଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖାଉଟି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେବା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ା ନା, ଯୋଉ 533/11 ସବଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାହା ଠିକଣା ହେଇନି ବୋଲି ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ 2019 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି? ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କହିପାରିବେ ବୋଲି କହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ କଥା ବିଦ୍ୟୁତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ବିଷୟରେ? କିଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ସରକାର ଟେକି ଦେବା ପରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା
असमाहित प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। एपरि स्थले खोद बिजेडी नेताको एही आर्टिकल राज्य रे विद्युत वितरण व्यवस्था रो पोल खोलिछि बोली चर्चा हेउछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप एवं आदित्यक सह प्रदीप्त महापात्र एवं दिव्यज्योति महांती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय जी बुलेटिन को एठो खिबा नमस्कार।